मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। वो और साकिब निसार आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे मरियम बड़ा बड़बड़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। वाह दीदी। दोस्तों एक तरफ अवाम हैरत में है कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कैसे करे और अपने बच्चों का पेट कैसे पाले, दूसरी तरफ हुकूमत इस टेंशन में है कि इमरान खान को गिराने के बाद फिर से कैसे गिराया जाए, और तीसरी तरफ लंदन में बाऊजी एक अलग ही नीयत करके खड़े हैं। नीयत की थी पाकिस्तान खान दी, मुँह लंदन नू अकाउंट हसन नवाज दा, पैसा अवाम दा ते अल्लाह अकबर। तो दोस्तों सियासत की गर्मा गर्मी में हम आपके लिए एक बार फिर से पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपका दिन बन जाएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में देखें जहां पर बाऊजी लंदन में टीपू सुल्तान की तरह बैठकर पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। ये लीटर और किलो में फर्क ही भूल चुके हैं, क्योंकि इनके दौर में पेट्रोल 65 रुपए किलो हुआ करता था। 2017 से पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक पेश करता हूँ कि उस वक्त कीमतें क्या थी। तो मेरा पुत्र छोटी का डॉलर 105 रुपए था, और उसके बाद चीनी 50 रुपए थी, ठीक है, आटा 35 रुपए किलो था, ठीक है, पेट्रोल 65 रुपए किलो था, 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 और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। अब इस अगली वीडियो में खान साहब ने तकरीर करते हुए जब जानवर का नाम लिया तो लोगों को लंदन का जानवर याद आ गया। खान साहब ने बाऊजी को गीदड़ से तशबीह दे दी, और आजकल नवाज शरीफ की इस तरह की इज्जत अफजाई कहीं भी किसी भी वक्त होना एक आम सी बात है। जो जानवर है वो भी बच्चे खाना पी के बच्चे प्रोड्यूस करके चला जाता है। अगर इंसान नहीं, वो खास जानवर जो वहाँ, उसको हम गीदड़ क्या कहते हैं। अब यार हमारे साशे पैक मुगले आजम के काम देखें, जिसे अब भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। हालत ये है कि अगर किसी कुत्ते को भी आवाज दी जाए तो कान हमारे पीएम के खड़े हो जाते हैं। नाम स्पीकर तशरीफ रखें, नहीं साहब आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। नाम स्पीकर। अब जरा इस भाई की बात सुने जिसने आटा तो शहबाज शरीफ से ले लिया लेकिन वोट इमरान खान को देगा। अब आवाम ने तो थूक लगा ली है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो अपना हाथ कहाँ पर रखे। ए लाला आटा देता है शहबाज शरीफ, अपने कपड़े बेच के जमीन आटा देता फ्री। अच्छा हाँ। की बात अल्लाह दे बंदा को वोट जहाँ दे पेंदवा वोट तेनु दे दी। वोट इमरान खान नु लाला। ये तो यार बात, ये तो ज्यादती नहीं। वोट इमरान खान दे यार। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि नून लीग के जलसों में या तो आवाम बिरयानी खाने जाती है या फिर मरियम नवाज को देखने जाती है। खाने पीने और पूंडी लगाने के बाद ये लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इस भाई की बातें सुने। क्यों रोजे के साथ झूठ बोले, ये चेक करें ना आप, इधर की ज़ूम करें, इधर लोग हैं नहीं, इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी अभी टाइम कितना हुआ है, अभी भाई भाई के 50 मिनट, अभी तो 20 मिनट है सारे में, 6:20 भी होनी है। अच्छा नहीं तो लोग आए थे तो आए जलसे के लिए आए थे, और किधर ये मरियम को देख रहे हैं, बस न्यू सर्जरी उसने करवाई है, ये तो नहीं चेक करना उन्होंने। अच्छा हाँ जी बैठ जाए, आप ज्यादा बोल रहे हैं, हो जाए आपके लिए। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मसला क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या कर लेंगे क्या। हमारे लीडर ने कहा है ना कि अल्लाह के अलावा। कौन है आपका लीडर? इमरान खान। इमरान खान साहब तो मरियम नवाज के जलसे में आए हुए, वैसे आए हुए हमें असरत सी मरियम नवाज को देख रहे हैं। इधर अभी ये देखें टर्की लोग देखे सारे मरियम को देखने आए हुए। 95% ये पीटीआई का वोट, 95%। अब यार हमारे साशे पैक मुगले आजम की क्या क्या कहानियां सुनाई जाए, जिधर से भी हाथ रखो बेगैरत ही निकलता है, और मासूमियत तो इतनी कि अब भी डायपर पहनता है। कौमी असेंबली के इजलास में शलवार शरीफ की दुआ सुने कि अल्लाह हमारी आसानियां दूर करे। हैरत तो इस बात पे होती है कि ये क्या है, क्यों है। बड़े मुश्किल मुकदमे में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन कौम के साथ जुर्म करना। अब शलवार शरीफ की इन बातों की वजह से सायरा बानो खुद को ना रोक सकी और शलवार शरीफ की खड़े खड़े बिस्ती कर दी, और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करें। पीछे बैठे हुए पे पटवारी ने समझिएगा पंखे फैन, उन्होंने कहा आमीन, सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करें। और दूसरा आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ रखें, पीएम साहब बैठ गए तो कितने मासूम हैं। मैं अभी इफ्तार बनाकर आई थी,
दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। अब जरा इस इमरान खान के दीवाने से मिले, जिसने एन निकाह के वक्त शादी से इनकार कर दिया। ये यूथिया पटवारन से शादी करने निकला था, लेकिन हक महर में इससे पेट्रोल और आटा मांग लिया गया। ससुरालियों ने कौन कौन सी शर्तें रखी हक महर पे, जिसकी वजह से आपका जो निकाह है वो नहीं हुआ? 10 ड्रम पेट्रोल के उन्होंने मुझे कहा था, 10 मन आटा, 8 बाल्टियां घी की, यकीन करें वो भी कश्मीर की, और जो मिशाल थी ये पीटीआई को सपोर्ट करती थी, और मुझे हक महर में ही पता चला ये पीएमएलएन को सपोर्ट करती है और पटवारन बन चुकी है। अब इस हबशी को भी किसी ने बता दिया कि नवाज शरीफ ना सिर्फ बुजदिल है बल्कि चोर भी है। मतलब यार, अब मैं किस किस का मुंह बंद करूं? गैली गैली मशहूर है, नवाज शरीफ भी चोर है। अब दोस्तों, नून लीग का असली शेर तो गिदड़ बन चुका है, इसलिए नून लीग के जलसों में किराए पर नकली शेर लाए जा रहे हैं। मतलब शेर किराए पर और लोग बिरयानी पर। अब आदिल राजा साहब वैसे तो पीडीएम की बैंड बजाते ही रहते हैं, लेकिन इस वीडियो क्लिप में तो उन्होंने इंतहा ही कर दी। इमरान खान के मुखालफिन को इस बंदे से ज्यादा किसी और ने जलील नहीं किया। नारों कहते हैं, मानक चानक से ड्रामा में कहता है, मेरे बड़े कारोबार, मैं बड़े कारोबार कीते, मैंने एक सांप और एक बीन ले ली, बीन बजाते हैं सांप के आगे, जो मैं सांप लोगों के घरों में फेंकता और बीन बजा के सांप पकड़ने का 500 रुपया लेता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सांप फेंका और फिर घर वालों को कहने पर बीन बजाई तो अंदर से 2 सांप निकल आए। अब घर वालों ने मुझे कहा कि भाई जी सब फड़ो, मैंने कहा मैं अपना फड़दा, तुसी अपना फड़ो। मतलब ऐसा ही कुछ हुकूमत और साहब बादल के साथ हुआ है। साहब बादल आपको पता ना कौन है, जो बड़े चाचू हैं उनके बारे में बात हो रही है। अच्छा, हमारे चाचू के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है, और उनके जो उनके से पहले जो चाचू थे उनके साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है। तय तो ये हुआ था कि साहब बादल इमरान खान को संभालेंगे और हुकूमत मईशत को संभालेगी। अब कोई खुदा की ऐसी हुई है कि ना साहब बादल इमरान को पकड़ सके और ना हुकूमत मईशत को। अब दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, भाई जी असी अपना फड़न आना, तुसी अपना फड़ो, लेकिन फड़ा फिर भी नहीं जा रहा है इनसे, ना इमरान खान इनसे पकड़ा जा रहा है, ना मईशत इनके कंट्रोल। अफ्तारी पर मरियम सफदर साहबा को, बाजी मरियम सफदर साहबा को, बाजी मरियम औरंगजेब ने अपने घर बुलाया। अफ्तारी के दौरान उन्होंने, जो हमारे भाई साहब हैं जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं, वो कहीं बाहर से दही नहीं लेके आए थे टाइम पे, तो उनकी बिस्ती फरमाई। जब उन्होंने देखा कि वो इतनी जबरदस्त बिस्ती करती हैं, मीन एक दफा फंड के रख दिंदियां ने, वो जरा है भी उन्होंने, उन्होंने देखो ना तो वो लगता है कि बिस्ती करने वालियां ने, वो उन्होंने कचीचियां वट वट के ना उन्होंने मुंह वटिया गया है। बाजी मरियम औरंगजेब इनिया कचीचियां वटती है कि उन्होंने मुंह ही वटिया गया है। So, जब बाजी मरियम सफदर ने देखा कि इतनी बेहतरीन बदतमीजी करती हैं, तो उन्होंने उन्हें वजीर बना दिया। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।